नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए, समय हो गया है यूपी की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान माफिया से नेता बने अतीक के बेटे असद और उसके साथी शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया, साथ ही भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया है। इस मामले पर क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख कर के सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। वो मेरे आमने सामने की बात है, वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिस पुलिस कर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली बुलडोजर से, जल जल करके मर गई पिता के सामने। मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला? उत्तर प्रदेश नगर निकाय निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार कल्याण मंडपम स्थित जोन 3 और 7 के नामांकन केंद्र पहुंचे। वहां नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया गया, इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान नामांकन केंद्र पर प्रिंटर और स्कैनर की कमी पाई गई। तत्काल नामांकन केंद्र पर प्रिंटर स्कैनर आदि की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं NIC से हर केंद्र पर एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए। झांसी में हुए असद के एनकाउंटर के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जोरदार हमला बोला है। लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जिस तरीके से उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या कर दी थी, उनका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। योगी आदित्यनाथ को पूरे प्रदेश की जनता बधाई दे रही है और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उस बात पर मोहर है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित ये अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर जेलों में होंगे या फिर इनके इस तरीके से ही एनकाउंटर किए जाएंगे। जो मुजरिम थे उनका जो जिस तरह से एनकाउंटर पुलिस ने किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता आज बधाई दे रही है। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उस बात पे मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित ये अपराधी आज पूरे प्रदेश में या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या जेलों में होंगे या एनकाउंटर इनके किए जाएंगे। अब किसी का दुस्साहस कोई करेगा नहीं कि किसी की हत्या कर दे या किसी को लूट ले, जमीन कब्जा कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बधाई। खबर अमरोहा से है, जहां स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में वैल्यू एजुकेशन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने वैल्यू एजुकेशन को व्यक्तित्व विकास का सबसे अहम हिस्सा बताते हुए इसे राष्ट्र विकास की रीढ़ करार दिया है। इसके साथ ही बस्ती रोड स्थित अवंतिका नगर के मुख्य सड़क मार्ग को ओम शांति मार्ग का नाम देते हुए इसके शिलापट का अनावरण भी किया है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ने मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम की मौत के बाद पुलिस को बधाई दी है और साथ ही योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है। वीके सिंह ने बताया कि अब बदमाशों को पुलिस का खौफ नजर आता है और वो खौफ में साफ देखे जाते हैं। साथ ही बदमाश या तो जेल में नजर आ रहे हैं या फिर सीधे ऊपर। वह इस मुठभेड़ को लेकर तमाम विपक्षी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मिसाल रखिए, उसके कारण 2022 के अंदर जनता ने उनको पुनः चुना, भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी उस समय बढ़त दी 2022 के अंदर। आपको भी पता है 22 के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग खबरों के अंदर अलग अलग तरह के वक्तव्य आते थे, लेकिन आखिर के अंदर अच्छी उनको सीट हासिल हुई। और एक उनका
जो लक्ष्य रहा है, ये खासकर बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को के अंदर गुंडा राज। खबर गाजीपुर से है, जहां 25,000 के इनाम में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाश गाजीपुर के जमनिया थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में फरार चल रहा था। पकड़ा गया बदमाश बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला बताया गया है। 2016 से वो लगातार उस पर इनाम घोषित हो गया था, तभी से अपनी गिरफ्तारी से बचता हुआ घूम रहा था। उसमें कोतवाली पुलिस को एक, क्योंकि सभी इनामी जो हमारे साथ इनामी हैं, जो पुराने हैं, उन पर पूरे जनपद की पुलिस लगी हुई है और जो उसे खोजेगा उसको इनाम मिलेगा। तो ये कोतवाली पुलिस ने और बड़ी मेहनत के साथ इसे पकड़ा है और आज उसे जेल भेजा जा रहा है, जिसमें संबंधित मुकदमे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने लोगों के गुमशुदा 65 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद एसपी ने मोबाइल धारकों को मोबाइल फोन सुपुर्द कर दिया है और मोबाइल फोन पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। जो शिकायतें प्राप्त होती है उस पर हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो लगातार ट्रैक करती रहती है। आज करीब 65 लोगों के मोबाइलों को वापस किया गया है और आप जानते हैं आज की तारीख में मोबाइल एक तरह से लोगों के लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि उसमें ही अपना सारा डेटा, अपना जो भी गोपनीय दस्तावेज है सब उसी में रखते हैं। लोग प्रसन्नचित्त भी हैं। काफ़ी संख्या में लगभग जो विगत 3-4 महीने में हमारे मोबाइल गायब हुए थे सभी बरामद। झांसी में हुए एनकाउंटर पर मंत्री असीम अरुण की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। असीम अरुण इस दौरान बोले कि योगी सरकार में पुलिस का मनोबल बढ़ा है। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सपा नेताओं ने पुलिस का मनोबल धरातल में धकेल दिया था, तो चलिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पुलिस का मनोबल ऐसा है कि अगर अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो वो बहादुरी से गोली का जवाब गोली से देते हैं। अखिलेश यादव जी के समय पुलिस का मनोबल ऐसे धरातल में पहुँचा दिया था उन्होंने कि पुलिस के ऊपर गोली चलती थी या कोई हमला होता तो पुलिस वाले अपनी जान बचा के भागना बेहतर समझते थे। आज पुलिस वाले बहादुरी से इन अपराधियों का सामना कर रहे हैं। आज की जो घटना है, मुझे लगता है कि अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई होगी, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया होगा, जिसके कारण दो अपराधी। प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के लक्षागृह गांव निवासी की पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद डिप्टी एसपी के साथ पद पर चयनित हुआ है, तो ये सुनकर घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वालों के साथ साथ गांव और क्षेत्र के लोगों ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। वही डिप्टी एसपी बनने के बाद विवेक तिवारी अपने निजी निवास स्थान लक्षागृह कसौधन के लिए आए, तो परिजनों सहित क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। मान सम्मान मिला है ये आपके बीजेपी जनता को मिला, तो आप गाँव के बच्चों के अगर देखना चाहते हैं बचपन से पढ़ाई लिखाई कैसा था, आपको लगता था कि मजा भारत का आपको आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेहनत के व्रत जो है निश्चितता के साथ जो प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से हमारे भाई हैं, बच्चा भी हैं, बहुत जो है। आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुआ? गाँव के स्कूल से आगे का क्या आपका फोटो होगा? आगे का सर सर्विस करेंगे, उसके बाद एसटीएफ के लिए प्रयास करेंगे। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नगर निकाय चुनाव के नामांकन स्थल का सुरक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस कप्तान विपिन ताड़ा समेत कई प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
वहीं संभल में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया है। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मुस्लिमों की तरक्की और कल्याण के लिए किए जा रहे कामों से इस समुदाय का रुझान बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को पनपने नहीं देंगे, अपराधियों के बता देंगे कि कानून का राज्य क्या होता है, इंसाफ का राज्य क्या होता है। आज वही अतीक के साथ हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगे हैं। अब उनको पता लग रहा है कि किसी माँ की मांग सुनी होती है तो उसके बच्चों को क्या दुख होता है। आज उन्हें पता लग रहा है जिस बेटे के पिता नहीं होते, पिताहीन पुत्र किस तरीके से अनाथ होता है, वो आज अति के सामने गुजर रही है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद सपा विधायक और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सपा विधायक पूजा पाल का कहना है कि अपराधियों की एक सजा है, या तो कोर्ट तय करती है या फिर सरकार। माफियाओं अपराधियों का ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म, और ये भी कहीं ना कहीं इंसान ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए कभी अच्छा सोचते नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए यह आपराधिक बात है, क्योंकि देखिए जो अपराध करेगा तो आपराधिक की एक सज़ा है, कभी कोर्ट तय करती है कभी सरकार तय करती है। और मुझे लगता है कि जो अपराध करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान है, और मुझे लगता है कि जो अपराध करते हैं और जो अपराधी होते हैं उनका कोई धर्म और उनका कोई अपनी दूसरे के प्रति इंसानियत वाली सोच होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है वो एक आपराधिक सोच और गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी दो कुत्तों के ऊपर ईंट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सिहानी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में पीपल ऑफ एनिमल के अध्यक्ष सुरभि रावत ने FIR दर्ज करा दी है, साथ ही मामले की जांच भी लगातार जारी है। एनिमल से हमें सोशल मीडिया द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक आदमी बेरहमी से ईंट लेकर दो कुत्तों को मारता हुआ नजर आ रहा है, और जो लड़की वीडियो बना रही है उससे भी अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में हमने सियानीगेट थाने में FIR लॉन्च करा दी है। गाजीपुर में पशु तस्करों के हौसले बुलंद है। पुलिस को पशु तस्करों को काफी दिन से तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने पशु तस्करों के कब्जे से 7 गौवंश बरामद किए हैं। पुलिस ने मरधा थाना क्षेत्र के तेजपुरा से पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोवंश थे, उसी में जैसा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि गो तस्करी का बड़ा सिंडिकेट जो है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं। ये पहले एक गाड़ी 4-व्हीलर या 2-व्हीलर ये रैकिंग करती चलती है कि रास्ते में कहीं पुलिस तो नहीं है। उस समय इत्तेफाक से दोनों गाड़ियां ये साथ साथ थी, तो दोनों गाड़ियां पुलिस ने हिरासत में ली, जिसमें रैकिंग करने वाले व्यक्ति भी पकड़ा गया है, गो तस्कर जो था, और 7 गोवंश। गाजीपुर में शिक्षकों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ाई की जगह झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा क्या है जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर झाड़ू पोछा लगाने को मजबूर है? आइए बताते चले कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल बच्चे पढ़ाई करने आए थे, लेकिन शिक्षक ने बच्चों को हाथ में कलम थमाने की बजाय झाड़ू थमा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। वीडियो आने के बाद इस मामले में BSA ने जाँच के आदेश दिए हैं। देखिए, विद्यालयों को स्पष्ट रूप से निर्देश है कि विद्यालयों में साफ सफाई एवं शुचिता को बनाए रखने के लिए वहां के शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलजुल करके यदि कोई काम कराया जाना है तो कराए, अन्यथा की स्थिति में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई शिक्षक बच्चों से जानबूझकर या किसी
दबाव में कार्य करवा रहा है, सफाई का कार्य हो या कोई और कार्य हो, तो यह स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसके विषय में जांच करके अगर ये संबंधित शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। चंदौली में पंडित दीनदयाल रेल मंडल के प्रांगण में 117 युवाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मिलने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग पहला मोर्चा, दूसरा और तीसरा या चौथा मोर्चा बना ले, कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी के साथ देश की जनता है, फिर से प्रधानमंत्री वही बनेंगे। साथ ही ये भी कहा कि हमारे सभी नेता कार्यकर्ता मन से प्रचार करते हैं और हम ही निकाय चुनाव जीतेंगे। चौथा रोजगार मेला था और 117 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में 71,000 से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र इस चौथे रोजगार मेले में दिए हैं और ये हमारा चौथा रोजगार मेला जिसमें हर रोजगार मेले में 70,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, कल जो है तमाम विपक्ष के लोग मिले थे राहुल गांधी से, तो किस तरह से देखते हैं 2024 के मद्देनजर? देखिए, 2014 के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है, उससे जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे वो बौखला गए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की रास्ता को रोकने के लिए एक होने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। एलडीए ने मोहनलालगंज और गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2 की टीम ने कार्रवाई की है, जिसके तहत निजी विकास कार्यकर्ताओं द्वारा स्थल पर बनाई गई सड़क, बाउंड्री वॉल, गेट, नाली, विद्युत पोल और कार्यालय आदि को ध्वस्त किया गया है। औरैया में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही डीएम और पुलिस अधीक्षक सतर्क हो गए हैं और सभी अधिकारियों को चुनाव को लेकर निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में डीएम द्वारा जिले में नामांकन स्थलों का दौरा किया गया। वहीं डीएम ने बताया कि 17 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 17 तारीख से अपने जनपद में स्थानीय निकाय के निर्वाचन का नामांकन होना है। तीनों तहसील हमारे इसके केंद्र हैं, उस तहसील के अंतर जितने स्थानीय निकाय आएंगे उनका नामांकन यहीं पे होगा। विधुना में होगा, विधुना और अचलदा टाउन एरिया का, तो ये तहसील विधुना में इसका नामांकन होगा, उसको हम लोगों ने देखा। इसी तरह अजीतमल देख के आ रहे हैं और सदर तहसील देख के आ रहे हैं। सदर में 3 का होगा, अजीतमल में अजीतमल 800 का होगा। सदर में नगर पालिका परिषद हपूद और दिव्यापुर, इस तरह हम लोगों ने इसको पूरा कैसे बैरिकेटिंग होगी और किस तरह जनता को आने में सुविधा हो, अधिवक्ता भी आते हैं साथ में फॉर्म भराने, उनका भी दिक्कत ना हो और लाइन ऑर्डर की व्यवस्था सही हो, इसके लिए सीओ एसडीएम ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन समीर गहलोत, वाइस चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन और 3 डायरेक्टर सहित कुल 18 सीनियर अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और इंडिया बुल्स में कार्यरत साकेत बहुगुड़ा के नाम भी एफआईआर में दर्ज है। बता दें कि एफआईआर शिप्रा समूह की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें इंडिया बुल्स के पूर्व चेयरमैन, डायरेक्टर और अन्य सीनियर अधिकारियों पर लोन के बहाने धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, 9 अप्रैल को थाना इंदापुरम के अंतर्गत 156(3) से न्यायालय के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके आदेश के क्रम में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वादी शिप्रा स्टेट लिमिटेड है और यह इंडिया बुल्स के कुल 18 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत है। पूरा मामला क्या क्या है, उसमें क्या मामला बना है, किस तरह का आरोप लगाए हैं, आरोप के बारे में कौन-कौन लोग हैं उसमें जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है? देखिए, इसमें प्रमुख आरोपी जो है समीर गहलोत है, जिनको पूर्व चेयरमैन बताया जा रहा है इंडिया बुल्स का,
बहराइच में एक इंटर कॉलेज की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत गिरजापुरी में शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल अपनी मर्जी से काम करते हैं, ना ही समय पर विद्यालय आते हैं और ना ही बोर्ड की बची हुई कॉपियों को वापस करते हैं और उसे बेच देते हैं। किसी को जानकारी दिए बगैर पेड़ कटवा दिया जाता है। वही SDM कागजों में बच्चों की बढ़ोतरी भी कर दी जाती है, प्रिंसिपल का कक्ष भी बंद रहता है। वही बता दें कि शासन के निर्देश पर BSA ने DIOS को पत्र लिखकर दोषी प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की संस्तुति दी है। प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उनके द्वारा शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज में MD के नाम पर व्यापक घोटाला किया गया है। और शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज में किस पर तैनात? मेरा नाम अनुप्रकाश श्रीवास्तव है, मैं यहाँ संस्कृत वित्त विभिन्न वर्ग में प्रवक्ता के पद पर काम। लगभग इस समय अगर विद्यालय के बच्चों की संख्या की बात की जाए तो कितने बच्चे यहाँ पर जो है? अभी पिछले सेशन में अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी में था कि लगभग 1600 के समथिंग बच्चे थे। यहाँ MDM का घोटाला जो है बहुत चल रहा है, बहुत सुनने में आ रहा है, क्या जानकारी? अब घोटाला जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि अमित जी ने बताया कि हमारे पास 900 कितने 63-68 बच्चे बताए कि है हमारे पास। मैं समाजशास्त्र अंशकालिक प्रवक्ता के पद पे हूँ, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। यहाँ इस समय MDM की जांच चल रही है, क्या जानकारी है उस विषय में आपको? जानकारी जांच के बारे में कोई मुझे इतना विशेष जानकारी नहीं है। ये मालूम है कि जांच होनी है, क्या है क्या नहीं ये तो प्रिंसिपल साहब आपको बता पाएंगे। कितने बच्चों का खाना बन रहा है इस समय? हमारे यहाँ पंजीकृत है 966 बच्चे, जो बच्चे आते हैं उनका खाना बनता है। आज तो देखा जा रहा है प्रिंसिपल साहब भी नहीं है, कार्यालय भी बंद है, कोई बच्चे भी नहीं है। जी इधर है, कुछ दिन से जो है बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे आएंगे उनका फिर बंद। साहब शारदा साहेब प्रोजेंटो कॉलेज में MDM का बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है जिसकी जांच आपको सौंपी गई थी, क्या निकल करके आया है? जी शारदा साहेब परियोजना की जो जाँच मुझे सौंपी गई थी उसमें चूँकि वो विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत था तो हमने DIS साहब से इस संबंध में पत्र लिखा है और संबंधित अध्यापक उपस्थित होके हमने जो जांच अधिकारी नामित किए हैं उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा के जो हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारी हैं DIS साहब ने इस क्रम में उन्होंने चिट्ठी। क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात है? सहायक अध्यापक पे विज्ञान। क्या नाम है? साजिद हुसैन। ये जो विद्यालय की स्थिति है ये बड़ी दयनीय है, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो है जब सत्र शुरू होता है तो इस समय गेहूं की कटाई चल रही होती है तो बच्चों की संख्या कम रहती है और प्रवेश शुरू हो चुका है, जल्दी बच्चे भी आने लगे। लगभग फिलहाल टीचर तो ड्यूटी पे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। लगभग कितने बच्चों की संख्या होगी? अबव 2000 के करीब होगी मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आप जो जिस कक्षा को पढ़ाते हैं आप उसमें कितने? यूपी निकाय चुनाव के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद संभावित उम्मीदवारों ने अपने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। वही देवरिया जिले के नव निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत बैतालपुर जहां इस बार नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में पहली बार चयनित होने के बाद स्थानीय जनता पहली बार वोट डालने को लेकर काफी जोश दिखा रहे हैं। इसी क्रम में BJP के संभावित उम्मीदवार के रूप में बैतालपुर नगर पंचायत क्षेत्र से सरिता देवी अपनी जीत का दावा करते हुए कह रही है कि वो जीत कर क्षेत्र की समस्याओं को तत्काल पूरा करने का काम करेंगी। जगदीशपुर से स्वर्गीय ओम प्रकाश की धर्म पत्नी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे विकास के मुद्दे रहेंगे। विकास किस तरह का? विकास जैसे शौचालय हुआ, सड़क हुआ, रोड हुआ, ये सब शिक्षा हुआ। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या करें? महिला के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, शिक्षा के लिए। आपके क्षेत्र में कौन से कार्य अधूरे हैं जिसे आप चुनाव अगर? बहुत से कार्य अधूरे हैं जो नहीं हो पाए हैं, जैसे किसी का शौचालय नहीं बना है, कहीं आवास नहीं मिला है, कहीं रोड नहीं बना है।
कानपुर में पुलिस के महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। बता दें कि कानपुर के एक पुलिसकर्मी की महिला से चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें विधवा महिला की मदद करने के बजाय पुलिसकर्मी फेवर मांग रहा है। महिला से पुलिसकर्मी का अश्लील चैट वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वह पुलिसकर्मी की अश्लील चैट के बाद अभी तक किसी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया तक सामने नहीं आई है। रायबरेली में कपड़े व्यापारी की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के सब्जी मंडी में कपड़े व्यवसायी और उसके बेटे को दबंगों ने जमकर पीटा था। इस दौरान दोनों को गंभीर चोटें आई और पिटाई की सूचना के बाद व्यापारी संगठन के लोगों का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायती पत्र भी दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित व्यापारी के शिकायती पत्र ले लिया है और मामले की जाँच पड़ताल करवाने की बात कही है। सभी दो घायल व्यक्ति आए थे, जिनका नाम क्रमशः कौशिक वाजपेयी और आकाश वाजपेयी है। ये सब्जी मंडी कस्बा थाना लालगंज रायबरेली के निवासी हैं। इनका परीक्षण किया गया, परीक्षण में अन्य चोटें तो ऐसा लग रहा था किसी भारी वस्तु से हुई है, लेकिन कौशिक वाजपेयी जिनकी उम्र लगभग 56 साल है, उनके गले में चोट थी, लेकिन उनको शिकायत यह थी कि उनको गले में भारीपन, सांस फूलने और उल्टी जैसी शिकायत हो रही थी, उल्टियाँ हुई भी थी, तो इसलिए उनको हमने जो है आगे जिला अस्पताल। माफिया अतीक का बेटा सद एनकाउंटर में मारा गया है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि माफियाओं को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपराधियों को मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हमारी टीम में लगातार असद और गुलाम की खोज कर रही थी। साथ ही उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि असद और गुलाम हमला करने वाले थे, अतीक और अशरफ को छुड़वाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली। वहीं इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि झूठा एनकाउंटर कर बीजेपी गुमराह कर रही है। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसमें अरमान, असद, गुटू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फॉलो करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी इस लेके टीम दो महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी, तथा साबरमती तथा बरेली से जो इसमें दो साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के डेंजरस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।